अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ क्रिस्पी चिकन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं क्रिस्पी चिकन बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लेंगे चिकन। ये 300 ग्राम बोनलेस चिकन है, इसे हमने अच्छे से वॉश करके लंबे लंबे स्ट्रिप्स काट लिए हैं। प्याज की भाजी का हरा हिस्सा है, जिसे हमने अच्छे से वॉश करके बारीक बारीक काट लिए। 1 टीस्पून अदरक कद्दूकस किया हुआ, 2 टीस्पून लहसुन कद्दूकस किया हुआ, 1 मैगी क्यूब हलाल, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। 3 हरी मिर्च जो हमने कट कर ली है। प्याज की भाजी का हरा हिस्सा जो हमने ले लिया था, उसी के ये प्याज है जो हमने पतले पतले लंबे लंबे कट कर लिए हैं। 1 शिमला मिर्च जिसे पतली पतली लंबी लंबी कट कर ली है। अब एक बाउल में 4 टेबल स्पून मैदा लेंगे। दो टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लेंगे। एक टीस्पून नमक लेंगे। एक अंडे की सफ़ेदी लेंगे। इससे हमारे चिकन एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी बनेंगे। एक टीस्पून विनेगर लेंगे। एक टीस्पून काली मिर्च पाउडर। एक टीस्पून तेल, खाने का तेल, पकाने वाला जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तिल का तेल लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। एक टीस्पून मिर्ची का पेस्ट, एक टीस्पून लहसुन का पेस्ट, एक टीस्पून अदरक का पेस्ट, और ये चिकन जो हमने पतले पतले लंबे स्ट्रिप्स जो काट लिए थे वो हम इसमें ऐड करेंगे। चिकन को इस तरह लंबे लंबे स्ट्रिप करने हैं और हमें बोनलेस चिकन ही लेना है। अब ये सब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका चिपचिपा सा, अच्छा सा, गाढ़ा सा बैटर बना लेंगे। बैटर थोड़ा गाढ़ा सा है तो हम इसमें 1 टीस्पून पानी ऐड करेंगे। और फिर अच्छे से सब मिक्स कर लेंगे। अब हमारा बैटर अच्छा गाढ़ा सा और चिपचिपा सा रेडी हो गया है, एकदम परफेक्ट बैटर बन गया है।
अब हम इसमें एक टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे और फिर ये भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये अब एकदम परफेक्ट गाढ़ा और चिपचिपा बैटर बन गया है। हमें इतना ही गाढ़ा बैटर रखना है। अब चिकन को आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने रख देंगे ढककर। अब हम ग्रेवी का बैटर बना लेंगे। एक बाउल में एक टीस्पून कॉर्नफ्लोर ले लेंगे, एक टीस्पून शेजवान चटनी लेंगे, एक टीस्पून विनेगर लेंगे, एक टीस्पून सोया सॉस लेंगे, एक टीस्पून रेड चिली सॉस लेंगे, दो टीस्पून टमाटर केचप लेंगे, और हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कॉर्नफ्लोर की गुठलियाँ ना बने। इस बात का आप खास करके ध्यान रखिए। अब हमें चिकन को डीप फ्राई करना है, इसलिए हम तेल गरम होने रख देंगे। एक तरफ तेल गरम हो रहा है तो हम अभी जो चिकन को मैरिनेट होने रखा था उसमें हम 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मैरिनेट चिकन डीप फ्राई कर लेंगे। एक एक करके चिकन स्ट्रिप्स डाल देंगे। 1 मिनट फ्लेम मीडियम रखेंगे और फिर फ्लेम को लो कर देंगे। 5 से 6 मिनट लो फ्लेम पर ही पकाएंगे क्योंकि ये पतली और लंबी है और हमें इसे अंदर से अच्छे से पकाना है। अगर हम लो फ्लेम के बजाय फास्ट फ्लेम पे करेंगे तो ये अंदर से जल्दी से गल जाएगी क्योंकि पतली और लंबी है और चिकन बहुत जल्दी पक जाता है, इसके लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे। चिकन की स्ट्रिप्स को हमने 2 मिनट एक तरफ से पका लिया है। अब हम इसे पलटाएंगे और फिर दूसरी तरफ भी 2 मिनट पकने देंगे। चिकन की स्ट्रिप दोनों तरफ से पक गई हैं। अब 1 मिनट के लिए गैस फास्ट करेंगे ताकि हमारे चिकन एकदम क्रिस्पी हो जाए बाहर से। 1 मिनट तक फास्ट फ्लेम पे हमने इसे अच्छे से पकाया और हमारे चिकन क्रिस्पी भी हो गए अच्छे। अब हम इसे निकाल लेंगे। चिकन स्ट्रिप को टिश्यू पेपर पर ही निकालने के बाद रखें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल
एब्जॉर्ब हो जाए। और इसी तरह बाकी के बचे हुए चिकन स्ट्रिप्स भी हम तल लेंगे। बाकी के भी चिकन स्ट्रिप्स हमारे तल के हो चुके हैं, अब हम उसे भी निकाल लेंगे। अब हम ग्रेवी की तैयारी करेंगे। मैंने 2 टेबलस्पून तेल लिया है, मैंने सादा तेल लिया है खाने वाला। मैंने पहले भी कहा है कि आप तिल का तेल ले सकते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 2 टीस्पून कद्दूकस किया हुआ लहसुन हम इसमें डाल देंगे और इसे थोड़ा सा सॉटे करेंगे। थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं लहसुन। अब इसमें हम 1 टीस्पून कद्दूकस किया हुआ अदरक डालेंगे। 15 मिनट तक हम इसे अच्छे सॉटे करेंगे ताकि लहसुन और अदरक हल्के से सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। सॉटे करेंगे। अब कटी शिमला मिर्च डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे और 1 मिनट तक अच्छे से सॉटे करेंगे ताकि प्याज, शिमला मिर्च, हरी मिर्च सब अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब हमने जो एक बॉल में सॉस का जो बैटर रेडी किया था वो हम डाल देंगे। थोड़ा सा हिला के डालेंगे ताकि इसमें जो कॉर्नफ्लोर था वो भी सही से घुल मिल जाए। अब इसे हम 20 सेकंड तक पकाएंगे और जो चिकन स्ट्रिप तल के रखे थे हमने वो इसमें डाल देंगे। अब इसमें एक मैगी चिकन क्यूब था वो डाल देंगे। अच्छे से सब मिक्स करेंगे ताकि सारे सॉस चिकन पर अच्छे से कोट हो जाए। प्याज की भाजी का जो हरा हिस्सा हमने कट किया था वो इसमें डाल देंगे। अब 15 सेकंड तक पकाएंगे और फिर फौरन गैस हम बंद कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा देर पकाएंगे तो चिकन क्रिस्पी नहीं रहेंगे, नरम हो जाएंगे। ये देखिए हमारे क्रिस्पी चिकन बनके तैयार हो चुके हैं। अब हम डिश आउट करेंगे। देखिए हमारे क्रिस्पी चिकन कितने अच्छे लग रहे हैं और टेस्टी भी लग रहे हैं और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसमें से। अगर आपको मेरी ये क्रिस्पी चिकन की रेसिपी अच्छी लगी हो तो बहुत सारा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे दुआ